हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये होने वाली आप सबकी फेवरेट मीशो हॉल। और मीशो हॉल भी क्यों कर रही हूँ, मीशो मेरे दिमाग में कहाँ से आया और मैंने इतनी सारी शॉपिंग कैसे की, वो सारा क्रेडिट भी आप ही लोगों को जाता है। क्योंकि मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं ऐसे शॉपिंग हॉल्स वाली या कुछ भी शॉपिंग वाली, उसमें इतने कमेंट्स होते थे कि दी आप मीशो हॉल करो, मीशो हॉल करो। देन मैंने मिड फेब में मैंने फिर वो डाउनलोड किया मीशो। मैंने कहा देखूँ कि होता क्या है। फिर मैंने देखा यार लिटरली इतना चीप सामान। पहले तो मैंने सोचा कि यार ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही थर्ड क्लास सामान है। तो मैंने पहले धीरे धीरे ट्राई करके देखा। सबसे पहले जो मैंने मीशो से सामान मंगवाया था वो था मेरे डॉगी ओजू के लिए, पैट टॉयज होते हैं ना, मैंने वो मंगवाए थे और वो ट्रस्ट में बहुत अच्छे आए थे। फिर उसके बाद मैंने ज्वेलरीज देखी, मुझे बहुत सस्ती ज्वेलरीज लगी एज़ कम्पेयर टू मैं ऑफलाइन जहाँ से स्टोर से खरीदती हूँ उसके कंपेरिजन में बहुत सस्ती थी। फिर मैंने फुटवेयर देखे तो माय गॉड मैं शॉक्ड ही हो गई। और फिर बात करी जाए एथनिक वियर की तो मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। और तो मैंने बहुत कुछ खरीदा और आप मानोगे तो मैं शॉपिंग कर रही हूँ 1 मार्च से। उससे पहले तो मतलब मेरा डॉगी का सामान आया था। 1 मार्च को मैंने पहला अपना ऑर्डर प्लेस करा था ज्वेलरी का और मुझे था कि मैं मीशो हॉल जल्दी निकालूंगी, लेकिन मैं मंगवाती गई और वो पेंडिंग होते गया कि मैं हॉल करूं। अब मैं फाइनली मीशो हॉल कर रही हूं और लेकिन मैंने सब चीज़ को कैटेगराइज कर दिया। लाइक माई ज्वेलरी हॉल सारी ज्वेलरीज दिखाऊंगी, फुटवेयर हॉल फुटवेयर्स दिखाऊंगी एंड जो भी मैंने क्लोथिंग मंगवाया है वो मैं क्लोथिंग दिखाऊंगी। तो फर्स्ट जो मैं हॉल निकाल रही हूँ वो है मीशो ज्वेलरी हॉल, जितनी मेरी ज्वेलरीज हैं वो। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे, स्टे ट्यून, आपको मज़ा आने वाला है। और जितने आपकी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं अबाउट मीशो एंड क्वालिटी एंड ऑल, सब क्लियर हो जाएंगे। एंड फर्स्ट थिंग, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अबाउट मीशो। तो चलो आपको फर्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। सो माय फर्स्ट ऑर्डर जो डिलीवर हुआ था मुझे 1 मार्च को, वो बहुत ही सुंदर एक हैवी सेट मंगवाया था क्योंकि मैंने एक लहंगा ऑर्डर किया है, उसके डिट्टो मैचिंग शेड्स हैं, आपको जल्दी ही पिक्चर्स देखने को मिलेंगे उसमें। मैं यही ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, ये बहुत ही प्रिटी है कॉस्ट वाइज भी देखा जाए तो भी। और सी इसके कलर, इसकी क्वालिटी, ये लाइट वेट है और फोटोशूट्स वगैरह के लिए तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ड्रेस के मैचिंग आपको इसको पहनना है तो दिस इज सीरियसली वेरी नाइस। और इसको मैंने 1262 का लिया है। इसके साथ आपको मिलता है इयररिंग और क्यूट सा छोटू सा मांग टिक्का। तो ये मेरे लहंगा से बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग था, मेरे को उसके लिए कोई ज्वेलरी नहीं मिल रही थी तो मैंने सबसे पहले ये ज्वेलरी मंगवाई। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, लाइट वेट है, आप मंगवा सकते हो। अगर आपने ये देखा होगा मीशो पर, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसके 2-3 कलर ऑप्शंस भी हैं। तो यस, मैंने इसको 5 out of 5 दिया है रेटिंग में और ये बहुत सुंदर है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, जो इसके साथ एक और सेट ऑर्डर किया था तो साथ, हाँ एक और ड्रॉबैक मैं बताना चाहूँगी। जब स्टार्टिंग में मैं मीशो से ऑर्डर करती थी तो ऐसा होता था आप एक बार में एक ही आइटम ऐड टू कार्ट कर सकते हो, मल्टीपल आइटम आप ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते। तो मैं एक आइटम को ऐड टू कार्ट करती थी, ऑर्डर करती थी, फिर दूसरे आइटम को ऐड टू कार्ट करती थी, ऑर्डर करती थी। और वो आने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, 15 दिन 10 दिन। तो मैंने एक ही दिन में बहुत सारे ऑर्डर लगाए थे। एक मुझे 1 मार्च को आया था, ये मुझे 4 मार्च को आया था। ये भी हैवी कुंदन सेट है और मुझे बहुत सुंदर लगा था ये, बिल्कुल ये बहुत हैवी है क्योंकि कुंदन हैवी होता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बिल्कुल रानी हार जैसा है। मैं इसको पूरा वेयर करके दिखाती हूँ आपको। सी ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और इसके साथ मिलता है मांग टीका और इयररिंग, जो मैंने शायद अभी निकाले नहीं है, दिस इयररिंग बहुत प्रिटी सेट है, शादी वगैरह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे तो आई नो ये बहुत हैवी है, कोई वेयर नहीं करेगा, लेकिन आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो। आप इसका मांग टीका सेपरेटली वेयर कर सकते हो, इयररिंग वेयर सेपरेटली वेयर कर सकते हो। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इयररिंग भी बहुत लाइट वेट है, लेकिन ये थोड़ा हैवी वेट आपको लग ही रहा होगा कि इतना हैवी भरा हुआ है ये, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा इसका वेट है। और ये मैंने मंगवाया था 730 रुपये का, तो 730 रुपीज़ के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑफलाइन स्टोर्स में ऐसी ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा कॉस्टली देते हैं वो लोग।
नेक्स्ट जूलरी दिखाती हूँ। मैंने मंगवाए थे बैंगल्स, और ये बहुत कॉमन बैंगल्स हैं, आपको मिल जाएंगे मार्केट में भी। मेरे को जाना नहीं हो रहा था तो मैंने ये मीशो से ही मंगवाए हैं। ये 180 रुपीज़ के चार सेट हैं, ये दो दो दर्जन हैं चूड़ियाँ। तो एक में तो मैंने ये वाले कलर्स मंगवाए हैं 180 रुपीज़ के, और जो दूसरा कलर है, और आपने देखा भी होगा मैं ये वाला येलो वेयर कर चुकी हूँ। साइड में मैं पिक्चर्स या वीडियो प्ले कर दूँगी। ये कांच की चूड़ियाँ हैं और ये दो दर्जन हैं, 180 रुपीज़ के चार सेट हैं ये। तो मैंने 180 का ये मंगवाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर बैठे बैठे मुझे काफ़ी सारे कलर की चूड़ियाँ मिल गई हैं मैचिंग मैचिंग। बेसिक ब्लैक आई हैव, तो मैंने ये वाले दो कलर्स मंगवा लिए थे। अगर आपको आपका साइज पता है तो आप इजीली मंगवा सकते हो। नेक्स्ट दिखाती हूँ, आया था ये पर्ल सेट था, नेक पीस था। ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है यार, मतलब मुझे इतना सुंदर एक्सपेक्टेड नहीं था मीशो से। सी, मैंने इसको बांधा नहीं, मैं आपको ऐसी दिखा रही हूँ। कितना प्रिटी है ना ये, और इसकी पर्ल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये मैंने लिया है 190 रुपीज़ का, और वर्थ इट फॉर 190 रुपीज़। इसी के साथ मैंने एक और पर्ल का मंगवाया था, वो था ये। इसको आप स्ट्रेट भी पहन सकते हो, इसको आप ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करके भी पहन सकते हो, आप इसको जैसे स्टाइल करना चाहो कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है, तो मैंने ये इसी के साथ मंगवाया था। मैंने सोचा था इसको ट्विस्ट करके मैं ऐसे पहनूंगी। मेरे पास ज्वेलरी पर्ल्स में काफ़ी सारी हैं, लेकिन ऐसे दो मुझे चाहिए थे चोकर काइंड ऑफ, ये मेरे पास थे नहीं। तो वो मैंने लिया था 190 रुपीज़ का, और इसका मैं प्राइस आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया है 413 रुपये का। ये भी ये कहीं पे सरोजनी ऐसी जगह पर ढूंढने पर सस्ता मिल जाए, लेकिन मैं सरोजनी गई थी, मुझे ऐसा मिला नहीं था कुछ, तो वर्थ इट, अच्छा है। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने मंगवाई थी ये सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ब्लैक कलर के इसमें मोतियाँ लगी थी, तो मैंने इसलिए मंगवाया। ये परफेक्ट लग रहा था, लाइक थोड़ा हैवी नेक पीस में, देखो कितना प्रिटी लग रहा है। इसके साथ आपको ये छोटे इयररिंग्स भी मिलेंगे, आप इयररिंग सेपरेटली भी वेयर कर सकते हो। सी, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये मुझे मिला था 278 रुपीज़ का। उसके बाद मैंने ये रिंग्स मंगवाई, ये ऑक्सीडाइज रिंग का सेट था, फोर रिंग्स का सेट था, और ये था 212 रुपए का। और ये फ्री साइज रिंग है, आप इनको लाइक एडजस्ट कर सकते हो, और देखो एक रिंग एंड सेकेंड रिंग मैं इसमें पहन के दिखा देती हूँ आपको। सेकेंड रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, थर्ड रिंग एंड ओप्स दिस फोर्थ। तो ये चार अलग शेप की ऑक्सीडाइज रिंग थी, मुझे बहुत सही लगी। ये मुझे मिली है 212 रुपए में, ना मुझे ढूंढना पड़ा, ना धक्के खाने पड़े कहीं पे स्टोर पे, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये तो थी लाइक ऑक्सीडाइज सिल्वर, और फिर मैंने इसी में गोल्डन कलर में भी मंगवाई है, तो वो ये दो आई थी। फर्स्ट मुझे बहुत प्रिटी लगी, फ्लावर सा पैटर्न है इसमें, मिरर वर्क हुआ हुआ है, उसमें मिरर वर्क नहीं था, उसमें किसी एक दो में मिरर वर्क था उसमें, नहीं सर हाँ। और सी, है ना प्रिटी। तो ये वाली रिंग थी 174 रुपीज़ की, मैं एक बार कंफर्म भी कर लेती हूँ रेट। ये दो रिंग्स 174 की थी, और वो 212 की थी। यस, ये 174 की रिंग्स थी। नेक्स्ट दिखाती हूँ। उसके बाद बारी आती है स्पायल की। ये मुझे बहुत प्रिटी और यूनिक लगी, मतलब मैंने नहीं देखी थी मे बी पहले ऐसी पायल। ये डोली वाली पायल है, इसमें हाथी बने हैं, डोली बने हैं, बराती या जो भी कुछ कहो वो बने हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, मुझे बहुत सुंदर लगी पायल। और ये पायल है 320 रुपीज़ की, मे बी इसकी डिज़ाइनिंग और मीना वर्क की वजह से 320 रुपीज़ की थी। तो मैं आपको जूम वर्जन दिखाती हूँ, आप देख वाओ, एक से ही ऐसी है, इसमें वाइट घुंघरू लगे हैं, मुझे बहुत प्रिटी लगी है 320 रुपीज़ की। इसके बाद आता है ये छोटू सा प्यारा सा कुंदन सेट, आप देखो, और इसके साथ बहुत छोटू से कुंदन के ये इयररिंग है, और ये 135 रुपीज़ का है। मैं इसको खोलती हूँ, आपको वेयर करके दिखाती हूँ। 135 के हिसाब से मुझे बहुत क्यूट लगा,
छोटू से इसके इयररिंग्स हैं और प्रिटी है। उसके बाद मैंने ये इयररिंग मंगवाए हैं, येलो कलर के हैं ये, 175 रुपीस के, लाइट वेट हैं, प्रिटी हैं, पर्टिकुलर ड्रेस से मैचिंग बहुत अच्छे जाएंगे ये। और उसके साथ ही मैंने मंगवाए थे ये बड़े बड़े स्टड्स, एथनिक स्टड्स मेरे पास नहीं थे, वैसे तो मेरे पास काफ़ी कुछ है एथनिक में, कलर्ड ज्वेलरी भी है, लेकिन ये स्टड्स नहीं थे। ये भी 175 रुपीस के हैं, ये बहुत प्रिटी लग रहे हैं, काफ़ी लुक के साथ बहुत अच्छे जाएंगे। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, साइडों में मोती लगा हुआ है, 175 रुपीस ओनली। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले इयररिंग्स, ये मेरे फेवरेट हो चुके हैं। इसी का थोड़ा बड़ा वर्जन है मेरे पास, मैंने H&M से लिया था, आई थिंक वो 1200-1300 या 1400 रुपये के आसपास था, और ये मुझे मिले हैं जस्ट 190 रुपीज़। मतलब दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब जो भी इसकी क्वालिटी लग रही है वही सेम मुझे लग रहा है, ज़्यादा डिफरेंस तो कुछ है नहीं है। मैंने इसको अभी हाल फिलहाल पहन के फ़ोटोशूट करा, आपने देखा भी होगा, ये बहुत प्रिटी हैं, क्लासी हैं, एंड ओनली फॉर 190 रुपीज़। वाले मस्ट हैव इयररिंग्स होते हैं, एथनिक वेस्टर्न साड़ी वगैरह सब पे जाते हैं, आई लव देम। माई लास्ट जो भी पीस बचता है वो ये है, क्यूट से ब्लू कलर के 144 रुपीज़ के हैं, हाँ, और ये बहुत प्रिटी लगे मुझे, क्यूट से छोटू से ब्लू कलर के, और इसमें नीचे वाइट मोतियाँ लगी हैं, बहुत प्यारे हैं ये। सो दैट्स ऑल फॉर माई मीशो ज्वेलरी, मैंने इतना सब कुछ मंगवाया था। आई होप आपको मेरा कलेक्शन, मेरी चॉइसेस पसंद आई होगी। वेल, मैंने जो भी मंगवाया है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग मंगवाया है, कि जो मेरे पास नहीं था मैं वो मंगवाऊँ, वरना और भी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, अच्छे भी एंड बुरे भी। काफ़ी इयररिंग्स मैंने रिटर्न भी करे हैं क्योंकि वो टूटे हुए आए थे। मेक श्योर जब आप अपना ऑर्डर लगा रहे हो तो उस पर आप ऑल रिटर्न्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, जिससे आपका अगर कोई भी ऑर्डर डैमेज आता है तो आप उसको रिटर्न कर पाओ, नहीं तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। 2-4 रुपये का अंतर, 5 रुपये का अंतर होता है हार्डली, और तो ऑल रिटर्न्स वाले ऑर्डर लगाया करो जिससे आप रिटर्न कर सको, क्योंकि अभी मेरे हाथ पर 3-4 इयररिंग्स टूटे हुए आए थे तो वो मैंने रिटर्न कर दिया, मुझे उसका रिफंड भी आ गया, और ये सारा कुछ मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे ही ऑर्डर लगाया था, और मुझे काफ़ी कुछ पसंद आया। तो दैट्स ऑल फॉर माय ज्वेलरी मीशो हॉल, और बाकी नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखे हैं, फुटवेयर एंड clothing. So thank you so much for watching. I hope you liked my video. Don't forget to like, comment and share my video and subscribe to my channel. See you very soon guys. Love ya. Bye bye.